हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस हैं, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और QR कोड को कैसे स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं हमने सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करें और QR कोड को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन, सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर QR कोड की मदद से वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्शंस पे जाना है। कनेक्शंस पे जाकर आपको हॉटस्पॉट मोबाइल सेटिंग्स पे चले जाना है, जहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है बैक करना है। बैक करते ही आपको जाना है यहाँ से वाईफाई पे, वाईफाई पे जाते हैं, यहाँ से QR कोड सेटिंग शो हो जाती है, आप देख सकते हैं शो हो जाती है। QR कोड को स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जैसे आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो वाईफाई नेटवर्क आपके फ़ोन में बिना पासवर्ड के भी कनेक्ट हो जाएगा, और इसका जरिए आप इंटरनेट भी चला सकते हैं QR कोड स्कैन करके, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से QR कोड स्कैन करके ही वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी 13 5G फ़ोन में, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो